तो हेलो दोस्तों, विकराज रेलवे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी अभी रेलवे का एग्जाम कैलेंडर आया है, इसमें आपको पूरा एनुअली दिखाया गया है कि अगले जो वैकेंसी है, नेक्स्ट वैकेंसी वो कब आने वाली है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। तो इसलिए आप लोग अभी से कमर कस लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप दोस्तों रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेंगे, डेली अगर नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। इसलिए आप रेगुलर पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप साथ में रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट बुक हो सकता है। ये कुछ बुक्स है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसमें आप देखिए, खान सर की जो है रेलवे के जितने सारे एग्जाम अभी तक हुए हैं 1992 से 2022 के बीच में, उसके सारे क्वेश्चन इसमें अपडेट कर दिए गए हैं। वो इसमें ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज करके देखने को मिलेंगे। ये जीके के लिए आप पढ़ सकते हैं इस बुक को। उसके बाद ये इसमें देखेंगे तो जीके के लिए एक अलग से ऑल एग्जाम की जो रेलवे की बुक आती है, इसमें आपको ये अलग से देखने को मिलेगा। ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है। इसमें जीके और साइंस दोनों इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। मैथ के लिए आप ये बुक को पढ़ सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। ये सब इसमें आपको देखिए, मैथमेटिक्स के जितने सारे एग्जाम अभी तक हुए हैं, उसका भी सारे सॉल्व पेपर इसमें डाले हुए हैं। उसके बाद आप रीजनिंग के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। और साथ में आप वन लाइनर जीके के फॉर्मेट में इसको पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित बुक है ये। इसमें आप वो जैसे लुसेंट की बुक आती है, उस तरीके का ये पूरा डिटेल फॉर्मेट में बुक दिया हुआ है। इसमें आपको स्टार मार्क में बहुत सारे पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसमें फैक्ट्स भी काफ़ी अच्छे डाले गए। इस बुक को मैं ऑलरेडी फॉलो भी कर रहा हूँ, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इन सारे बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ऊपर में, तो ये जो आपको है न्यू दिल्ली जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसके थ्रू ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे ऊपर में देखिए लिख दिया गया है एनुअल कैलेंडर फॉर ईयर जो है 2025 के लिए, इसमें रिक्रूटमेंट कब कब होने वाला है उसका इसमें दिया गया है। सबसे ऊपर में देखेंगे तो ALP जो है जनवरी से मार्च में इसका नोटिफिकेशन आएगा, ये वैकेंसी आने का डेट है। और वैकेंसी जो काउंट किया जाएगा 30 जून 2026 तक का, मतलब अगले 1.5 साल तक इसमें काउंट किया जाएगा। और ये नवंबर 2024 में इनको दिया गया है कि आप वैकेंसी को काउंट करके दीजिए, और उसके बाद ORM इसको जो है उनको ये क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे 2024 तक। और उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन जो है कि 2024 में, और उसके बाद जो CEN है उसको ड्राफ्ट करने के लिए प्रपोजल दिया जाएगा, जो जनवरी 2025 में दिया जाएगा। तो अब जनवरी से मार्च में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब नीचे अगर आप देखेंगे तो ये टेक्नीशियन का दिया हुआ है। टेक्नीशियन में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका भी देखिए अप्रैल से जून में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसीज का आएगा। इसमें देखिए 30 जून 2026 तक का वैकेंसी काउंट किया जाएगा, उसके बाद उसको अप्रूव करके मार्च 2025 तक इसको वैकेंसी को अपडेट कर देना है, बता देना है कि हाँ कितना इसका वैकेंसी खाली है टोटल, और नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब देखेंगे तो यहाँ जुलाई से सितंबर में जो NTPC का इतने सारे फॉर्म आने वाले हैं, एक NTPC होंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, उसके बाद ये नीचे देखेंगे तो ये आपको इंटर लेवल के 100 ग्रेजुएट होते हैं, उसका JEE के होते हैं, और उसका पारा मेडिकल कैटेगरी जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं तो उसका यहाँ पर होता है। इसका भी सेम है 30 नवंबर 2026 तक का काउंट किया जाएगा, और अप्रैल से मई में इसका ये इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए इसमें एक टीम बनाया जाएगा। उसके बाद मई से जून में 2025 तक इसको हर बोर्ड को देना पड़ेगा कि हाँ कितनी सारी वैकेंसी खाली, और जून 2025 में इसका जो प्रपोजल है वो दे दिया जाएगा नोटिफिकेशन रिलीज करने के लिए। और उसके बाद जब नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और पोस्ट का दिया है जो आपको मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के हैं। इसमें एक्चुअली होता है क्या, जो स्टेनोग्राफर जो बनते हैं, शॉर्ट हैंड जिसका टाइपिंग है, हिंदी इंग्लिश का राइटिंग है, वो इसमें कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसका भी यहाँ 31/12/2026 तक का इसमें लिया जाएगा, और जस्ट सितंबर 2025 में अगले साल इसको रिलीज कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन को। तो ये सारी बातें दे दी गई। और RPF का वैकेंसी इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि इस नोटिस में नहीं दिया है, क्योंकि उसका जो वैकेंसी हमेशा अलग से निकलता है, तो वो आपको अलग से देखने को मिलेंगे। और एक दुख की बात क्या है दोस्तों, इसमें ग्रुप डी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ दिसंबर तक तो यहाँ दे दिया, लेकिन ग्रुप डी के बारे में कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि ग्रुप डी का क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन बोला गया था कि नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा। अब देखिए नवंबर दिसंबर में वैकेंसी नोटिफिकेशन जो आता है कि नहीं आता है, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आ जाना चाहिए। जैसा रेलवे का ये मैंने देखा इस ईयर में कि जो भी वो नोटिफिकेशन, मतलब जो भी कैलेंडर में उन्होंने दिया था, वो क्या है कि कैलेंडर के हिसाब से टेंटेटिव जो भी है वो उसी टाइम पर नोटिफिकेशन दिया। भले एग्जाम डेट वो थोड़ा सा लेट से ले, वो मैं देख रहा हूँ, वो थोड़ा मुझे अजीब लगा, लेकिन नोटिफिकेशन उन्होंने टाइम पे दिया ही है। तो यहाँ पे ये भी आपको नोटिफिकेशन ग्रुप डी का नवंबर दिसंबर तक देखिए देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दे दिया गया है कि जो भी जोनल या रेलवे प्रोडक्शन है, मतलब इस ऑलरेडी जो वैकेंसी ऑलरेडी जो दे चुके हैं, इसको काउंट नहीं किया जाएगा 2024 वाले वैकेंसी को। ये नेक्स्ट वैकेंसी जो होगा ये इसको छोड़ करके न्यू वैकेंसी दिया जाएगा, मतलब इस पोस्ट ऑलरेडी है, इतने सारे पोस्ट भर जाएंगे, सीट भर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट जो वैकेंसी जब आएगी तो उसमें जितना खाली होगा उनको देखते हुए लिया जाएगा अगले 2026 तक का, कम से कम 1.5 सालों तक का इसमें उठाया जाएगा, और उसके हिसाब से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो ये सारी बात इसमें दी गई है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू करें, नहीं शुरू करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। रेगुलरिटी मेंटेन जरूर करें, कंटिन्यूस आप तैयारी करें, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए आप डेली पढ़ें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।